तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, जो हाईकमान को जोशीमठ के हालात की रिपोर्ट देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, तो उत्तराखंड के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से जोशीमठ के हालात हैं उसको लेकर आपको बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, और जोशीमठ के हालातों पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रिपोर्ट भी देंगे। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, तो हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट देंगे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, तो उत्तराखंड के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक जो बैठक है होने वाली है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जोशीमठ के हालातों को लेकर भी इस बैठक में मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल देखिए उदय, अगर ये बैठक की बात करें, आज भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली के अंदर, उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से 3 बजे के लगभग पहुंचेंगे सेवा सदन, जो वहां पर मुख्य उत्तराखंड का है वहां पर पहुंचेंगे। और ये जो बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो है कई आला जो नेता है वो वहां पर शिरकत करेंगे, और जो यहाँ पे संवाद होगा, संवाद की अगर बात करें कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें तमाम चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से जो है खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जोशीमठ के हालात है उसका जायजा ले रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या स्थिति आज की है, क्या पुनर्वास योजना है, तमाम चीजों को लेके जो है इसमें चर्चा हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो है इसमें जिस तरीके की अगर कार्यकारिणी है तो सभी राज्य के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, वहां पर हो सकता है कि कहीं एक दूसरे से आदान प्रदान जरूर हो। जी अभिनेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने बजे दिल्ली दौरे पर निकलेंगे, इसके अलावा उनके साथ कौन कौन से वरिष्ठ मंत्री साथ में रहेंगे? देखिए उदय, भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है ये बड़ी अहम होती है, इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष स्तर के जितने भी नेता हैं वो पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचेंगे वहां पर, और इसको जो है जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तमाम इसमें शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है जो प्रयास लगाया जा रहा है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री है दिल्ली के वो यहाँ पर जरूर इसमें शिरकत कर सकते हैं। जी अवनीश, अगर बात की जाए तो जोशीमठ के हालातों से सभी अवगत हैं, और अगर बात करें तो जिस तरह से जोशीमठ के हालातों को लेकर रिपोर्ट देंगे, तो इस रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र होगा? इसके अलावा सीएम की केंद्र सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी जोशीमठ को लेकर? देखिए जोशीमठ को लेके अभी जिस तरीके के हालात यहाँ पे है, पुनर्वास योजना है, उसमें कहीं ना कहीं बजट की भी यहाँ पे समस्या जरूर होगी, और जिस तरीके से जो है चिन्हित किए जा रहे हैं किन स्थानों पर उनको यहाँ पे चिन्हित किया जाए, उनकी क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या उनकी डिमांड रहेगी, किस तरीके के उनको मकान बना के देने हैं, ये तमाम चीज है। और रोजगार की बात करें, जो व्यापारी अपना यहाँ पे रोजगार खो चुके हैं उनको जो अभी, क्योंकि यहाँ पे बात जो चल रही थी कि उनको जमीन जो है जो जिसका जो कंपनसेशन मिल रहा है वो उनको बाजार भाव से मिले, ये तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी, क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं जो है देखने में आ रहा है विपक्ष भी हमलावर होने की पूरी तैयारी कर रहा है, लगातार जो है सरकार को कटघरे में खड़े करने की यहाँ पे बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो उदय, यहाँ पे अभी 2024 इलेक्शन होना है, कहीं ना कहीं इसमें जो है कोताही बरतने की मोड़ में कहीं नहीं दिखाई दे रही है सरकार। जी अवनीश, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, हाईकमान को जोशीमठ के हालातों की रिपोर्ट देंगे, साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, और इसके अलावा उत्तराखंड के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे।